Good morning students, welcome to Asana Ashton English School and Good Shepherd Education Center. I am Asha Gnottri. I will teach you computer online class for class 5th student. Today we will read karte slide shorter view. The slide shorter view is used to see all slide of the presentation in miniature small from on the screen this made it easy to add delete and move slides and add timing for moving from one slide to another you can also preview animations on multiple slides by selecting the slides you want to preview स्लाइड शॉटर व्यू का यूज़ स्क्रीन पर स्मॉल में प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड देखने के लिए किया जाता है इससे स्लाइड को इसमें ऐड कर सकते हैं डिलीट और मूव करना इजी हो जाता है और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए टाइम को भी ऐड कर सकते हैं आप जिस स्लाइड को फिर से देखना चाहते हैं उसका प्रीव्यू चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके कई स्लाइड पर एनिमेशन का प्रीव्यू कर सकते हैं नॉर्मल व्यू में स्लाइड ओपन करने के लिए बस आपको इसे डबल क्लिक करना होगा नेक्स्ट है स्लाइड शो व्यू द स्लाइड शो व्यू इज़ यूज टू डिस्प्ले ए सीरीज ऑफ स्लाइड्स वन बाई वन इन फुल स्क्रीन इन दिस व्यू यू कैन सी हाउ योर ग्राफिक टाइमिंग मूवीज़ एंड ट्रांजेक्शन अफेक्ट विल लुक इन एन एक्चुअल शो स्लाइड तो व्यू का यूज़ स्क्रीन में एक एक करके स्लाइड की एक सीरीज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है इस व्यू में आप देख सकते हैं कि एक एक्चुअल शो में आपके ग्राफिक्स टाइमिंग मूवीज और एफेक्ट्स दबाव कैसे दिखाई देंगे स्लाइड शो में आप स्क्रीन में आप स्लाइड को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं आप लोग कार्टून मूवीज देखते हैं ना उसमें एनिमेशन का यूज़ होता है ये पावर पॉइंट से होता है इसमें पिक्चर्स होती है उसमें कई पिक्चर्स होती है स्लाइड होती है पिक्चर्स की उसमें टाइमिंग और एनिमेशन अफेक्ट ट्रांजेक्शन अफेक्ट जो होता है वो ऐड किया जाता है और उसको मूव करा दिया जाता है तो ऐसे सो होता है कि वो मूव कर रही है और ये सब वर्क किससे होता है पावर पॉइंट में आप इसमें कर सकते हैं ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है अब इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास बाय थैंक यू